हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एविडेंस एक्ट के सीरीज़ में तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर प्रेलिम्स दे रहे हैं जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन में या फिर आप मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं लॉ का पेपर देने जा रहे हैं एविडेंस से रिलेटेड तो उन सारे जगहों पर बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है और आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे जहां बर्डन ऑफ प्रूफ से यानी कि सेक्शन 101 से लेके सेक्शन 114 ए तक क्वेश्चन आपको नहीं मिले ऐसा संभव है ही नहीं तो आप वीडियो के अंत तक देखिए और आज हम सेक्शन 101 से 114 ए तक सारा डिटेल्स समझेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले तो होता क्या है क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है और इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड प्रोविजंस हैं काफ़ी सारे प्रिजॉम्पन्स भी हैं काफ़ी सारे जो है आपके बर्डन ऑफ़ प्रूफ रिलेटिंग टू क्रिमिनल ऑफेंसेस क्रिमिनल एक्सेप्शन इन सब चीज़ों के बारे में भी ये बात की गई है तो इसको बहुत बाइफर्केट करके बहुत ध्यान से और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें तो आइए बात करते हैं कि बर्डन ऑफ़ प्रूफ होता क्या है और आपके सेक्शन वन से लेके वन ए में किस तरीके से बाइफर्केशन किया गया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली ये होता है कि जो भी पर्सन असर्टन करता है अफॉर्मेटिव फैक्ट्स को यानी पॉजिटिव फैक्ट को ठीक है उसके ऊपर बर्डन लाए करता है कि वो केस को प्राइमा फेसी प्रूव करे और आ, प्रूव करे कि अगर अगर उसने वो चीज़ प्रूव नहीं किया तो केस उसके अगेंस्ट में चला जाएगा तो बेसिक फंडामेंटल रूल यही है कि अगर कोई बा कोई बात अगर पॉजिटिवली मैं असर्ट कर रही हूँ तो बर्डन ऑफ़ प्रूफ मेरे ऊपर होगा कि मैं उस बात को प्रूव कर सकूं, ठीक है अगर मैंने बोला कि मुझे प्ली ऑफ एलिबी मतलब मैंने ये क्राइम नहीं किया है क्योंकि मैं तो उस वक्त दिल्ली में थी ही नहीं मैं तो कोलकाता में थी तो ये बात प्ली ऑफ एलिबी की है जो कि आपका सेक्शन 11 में दिया गया है नाउ टू असर्टन दिस फैक्ट बर्डन ऑफ़ प्रूफ मेरे ऊपर होगा कि मैं प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव करूं, ठीक है तो ये तो मान लीजिए कि ये एक तरह का एक्सेप्शन होगा या ये मैंने असर्टन किया है ये मेरे तरफ से पॉजिटिव फैक्ट है तो ये मेरे ऊपर बर्डन होगा जनरली एज अ जनरल रूल किसके ऊपर बर्डन होता है अक्यूज के ऊपर होता है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है तो हमेशा जो क्रिमिनल uh, केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ ठीक है प्रोसिक्यूशन इन द क्रिमिनल केस एंड एम्पलेंटिव इन द सिविल केस ठीक है नाउ सिविल केसेज एंड क्रिमिनल केसेज दोनों में क्रिमिनल uh, केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा ज़्यादा होता है इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे होता है बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट अगर थोड़ा भी आयोटा ऑफ डाउट है थोड़ा सा भी गुंजाइश है तो हम एक्यूज के फेवर में जजमेंट जो है uh, मतलब ये केस को फुल्ली uh, कह सकते हैं कि बर्डन uh, अगर ठीक से ऑफ नहीं किया तो प्रोसिक्यूशन हार जाता है केस यही सिविल केसेस में प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है अगर 51 49 का भी है तो 51 49 में भी जो है जो 51 वन परसेंट जिसने केस को प्रूव किया है तो उसके फेवर में जजमेंट पास हो सकता है तो ये था आपका क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है अब देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है क्योंकि वो केस हार जाएगा अगर उसने असर्टन किया है किसी बात को जैसे उसने बोला कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो ये बात उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट देर देर वॉज अंड अदर पर्सन इंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ये क्योंकि उसने ये काम किया है तो ये ब्रीच हो गया अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ़ द कॉन्ट्रैक्ट नाउ द बर्डन इज़ ऑन हिम टू प्रूव दैट देर वॉज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो इस तरीके से बर्डन जो है शेड ऑफ़ करना है नाउ देर इज़ अ डिफरेंस एक डिफरेंस होता है बर्डन ऑफ प्रूफ होता है और एक ओनस ऑफ प्रूफ होता है तो एज अ जनरल रूल आपने समझा कि ओनस बर्डन uh, जो है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के uh, साथ होता है कि प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ को जो है uh, uh, करना होगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसके शोल्डर पे है ना ओनर्स जो है वो शिफ्ट करते रहेगा ठीक है तो देखिए इसमें यही मैंने बताया है कि प्लीडिंग में प्लीडिंग में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है बर्ड प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है और ये बात आपका कहा गया है 101 में ठीक है 101 जीरो वन वन जीरो टू ऑन होम द बोर्ड इन लाइस तो ये जो है ये बात जो है प्रोसिक्यूशन के फेवर के प्रोसिक्यूशन के ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि प्लीडिंग में है जो बर्डन जो नेवर शिफ्ट ठीक है नाउ किसको किसके ऊपर ये ओनर्स शिफ्ट होता रहेगा अड्यूसिंग एविडेंस या इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस किसके ऊपर होगा ये काफ़ी सारी चीज़ों से डिटरमाइन करता है अगर मान लीजिए किसी कोई प्रिजम्पन है उसके फेवर में तो मे uh, प्रज्यूम है शाल प्रिज्यूम है कंक्लूसिव प्रूफ है प्रजम्पशंस के बारे में देखेंगे तो बेस्ड ऑन द डैट प्रजाम्पन कौन सी पार्टी इंट्रोड्यूस करेगा एविडेंस उसके बारे में वो डिटरमाइन कर सकता है या फिर मान लीजिए कि, कि केस फॉल कर रहा है एक्सेप्शन में ठीक है Uh, सामने वाली पार्टी बोल रहा है कि मैंने क्राइम किया है लेकिन uh, मैं मेंटली इल था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने मर्डर कमिट किया है लेकिन आई वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो नाउ द बर्डन इज़ ऑन हिम टू प्रूव कि uh, वो जो है पर्टिकुलर uh, टाइम पे वो जो मेंटली इल है तो वो मेंटल इलनेस के बारे में वो बा बात करेगा और ये हंड्रेड फाइव में आता है क्योंकि वो एक्सेप्शन को प्रूव करना है तो पर्टिकुलर फैक्ट वन जीरो थ्री में बात करते हैं कि अगर पर्टिकुलर फैक्ट Uh, कोई है पर्टिकुलरली उसके नॉलेज में है या पर्टिकुलर फैक्ट ओनर्स के बारे में बात करता है तो ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग ठीक है ओनर्स मान लीजिए डिफेंडेंट के फेवर में है अगर कोई मान लीजिए प्रजाम्पन प्लेंटिव के फेवर में तो बर्डन शिफ्ट हो ओनर uh, शिफ्ट हो गया डिफेंडेंट के साइड में ना डिफेंडेंट को डिफेंडेंट अगर मान लीजिए अपनी तरफ से कोई एविडेंस प्रूव uh, कर दिया फॉर uh, एग्ज़ाम्पल मैं रेस इस्पा लॉक्यूटर के बारे में एग्जाम्पल लेती हूँ नेग्लिजेंस वाले चैप्टर में आपने रेस इस्पा लॉक्यूटर पढ़ा होगा तो ये नेगेटिव बर्डन होता है ये माना जाता है कि रेस स्पा लॉक्यूटर में जो सामने वाली पार्टी है उसने नेग्लिजेंस किया ही होगा तो डिफेंडेंट को प्रूव करना है कि भाई नेग्लिजेंस मेरे से नहीं हुआ है ठीक है अब मान लीजिए उसने कोई सबूत पेश किया उसमें ये बताया कि नहीं उस टाइम पे नेग्लिजेंस उससे नहीं हुआ है नाउ अगेन द ओनर्स विल शिफ्ट टू द प्लेंटिव ठीक है टू प्रूव कि भाई नेग्लीजेंस हुआ है तो ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग बट द बर्डन इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन और द प्लिनिव इन द गिवन केस ठीक है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई ये आप बहुत ध्यान से गांठ बांध के समझ लीजिए कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में हमेशा ही बर्डन रहेगा और प्रोसिक्यूशन क्योंकि केस जो है वो पुट ऑन करती है तो बर्डन उसके ऊपर हमेशा फिक्स होती है बट ओनस कीप्स ऑन शिफ्टिंग बिटवीन द पार्टीज जिस तरीके से एविडेंस आएगा मान लीजिए प्लेंटिफ ने कुछ एविडेंस दिया उसने फेसी केस प्रूव कर लिया तो वो ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम पार्टीज टू पार्टी अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस अकॉर्डिंग टू वेदर द केस इज फॉलिंग अंडर द जनरल एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू वेदर अ पर्टिकुलर फैक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विच इज अंडर द नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इस बात पर भी डिपेंड करेगा तो इस तरीके से ओनर्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग तो ये बात आपको समझ में आ गई ये हम समझ गए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है क्रिमिनल केसेस में सिविल में प्रिपॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी अब देखिए 101 हंड्रेड वन टू वन हंड्रेड फोर्टीन बेसिकली तीन तरह से डिवाइड हो सकता है एक तो मैंने जैसे बताया अफॉमेटिव फैक्ट जो पॉजिटिव फैक्ट असर्टन करेगा उसके ऊपर बर्डन होता है ये बेसिकली हंड्रेड वन में इस तरह की बात की गई है पर्टिकुलर फैक्ट अगर मान लीजिए आपके नॉलेज में पर्टिकुलर फैक्ट है तो आपको उस बात को प्रूफ करना होगा जैसे कि मैंने आपको प्ली ऑफ एलेबाई का एग्जाम्पल दिया कि मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं थी ये मैं ही जानती हूँ कि मैं उस वक्त नहीं हूँ तो प्रोसिक्यूशन को क्यों ये बर्डन दिया जाए कि वो प्रूफ करे कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ और प्रोसिक्यूशन क्यों ये बात को प्रूफ करेगा सिंस आई हैव सेड एंड सिंस इट इज़ इन माई पर्टिकुलर नॉलेज दैट आई वॉज नॉट मैं वहाँ पर नहीं थी जब क्राइम कमिट हुआ तो द बर्डन इज़ ऑन मी नाउ द ओनर्स इज़ ऑन मी नाउ टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट ये बात आपका कहा गया है 103 में 106 में आ, बात किया गया है कि अगर मान लीजिए कि आ, किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किसी को नॉलेज है ठीक है पर्टिकुलर नॉलेज है तो नाउ द बर्डन इज़ ऑन हिम द ओनर्स इज़ ऑन हिम टू प्रूव कि भाई मान लीजिए कि कोई रेलवे कंडक्टर है उसने टीटी है उसने बोला कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है नाउ उस बेसिस पे कि उसके पास टिकट है कि नहीं है इस चीज़ का नॉलेज किसी के पास होगा उसी के पास होगा जिसके जिससे उसने पूछा है कि तुम्हारे पास टिकट है कि नहीं है नाउ बिकॉज uh, उसके पास पर्टिकुलर नॉलेज है द बर्डन इज़ ऑन हिम टू प्रूव की पर्टिकुलर फैक्ट दैट ही हैज़ अ टिकट विथ हिम और ही डज नॉट हैव द टिकट विथ हिम तो पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड आपका सेक्शन वन जीरो थ्री वन जीरो सिक्स पर्टिकुलरली एक्सेप्शन से रिलेटेड 105 जीरो फाइव उसके बाद बात करते हैं प्रिजाम्पन्स की प्रिजाम्पन्स आपके 107 से लेके 114 ए तक में दिया गया है वेरियस प्रजाम्पन्स नाउ प्रजाम्पन्स क्या करती है बेसिकली ये जो है हु विल इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर एविडेंस ये डिसाइड करती है आपके एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ से भी डिसाइड होता है और प्रिजाम्पन्स भी ये चीज़ को डिटरमाइन करती है अब आप पूछेंगे प्रिजाम्पन कैसे डिटरमाइन करती है तो देखिए मैं मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आ, आपने पर्टिकुलरली आपने सुना होगा कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड हंड्रेड ट्वेल्व है ठीक है अगर मान लीजिए कि आ, कोई वुमेन है कोई वो लॉक में चाइल्ड हो रहा है ड्यूरिंग मैरिज चाइल्ड हो रहा है या फिर 280 डेज़ के अंदर में अगर चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड मानते हैं तो ये बात कि एक्सेस नहीं था ठीक है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक्सेस नहीं था या फिर ये बात करना कि वो जो उसकी वाइफ है उसका किसी और के साथ रिलेशन था और वो बच्चा उसका नहीं है ये बात एक्सेस को नॉन एक्सेस को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा क्योंकि प्रिजाम्पन तो है कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है क्योंकि 280 सौ अस्सी दिन के अंदर हुआ है नाउ द बर्डन विल शिफ्ट ऑन द अदर पार्टी टू प्रूव कि मी एंड माय वाइफ वाज नॉट हैविंग एनी एक्सेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है तो ये प्रिजाम्पन डिटरमाइन करता है बिकॉज इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ तो ये प्रिजाम्पन बहुत स्ट्रॉग प्रिजम्पन है वाइफ के फेवर में कि वो बच्चा जो है वो चाइल्ड के फेवर में कि बच्चा जो है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है ठीक है तो ये प्रिजाम्पन को निगेट करना ठीक है तो ये इंट्रोड्यूस कर प्रजाम्पन को निगेट करने के लिए बर्डन उसके तरफ जो है अपने आप शिफ्ट हो जाता है इसी लिए प्रजम्पशन का इम्पोर्टेंस है लॉ में अब देखिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या इंपॉर्टेंस है और बर्डन ऑफ प्रूफ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी भी लॉ के पेपर में क्यों दिया जाता है देखिए अगर मान लीजिए कि सारा फैक्ट्स जो है प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ किया आ, सारे फैक्ट्स से रिलेटेड जो है आ, सारा एविडेंसेस गैदर हो चुका और उससे कोर्ट को ईजिली पता चल जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन गिल्टी है या फिर Uh, जो है डिफेंडेंट गिलती है या फिर सिविल केसेस में प्रोसिक्यूशन uh, गिल्टी है या अक्यूज गिल्टी है सिविल केसेस में प्लेंटिव गिली है या डिफेंडेंट uh, गिल्टी है ये बात अगर सही से डिटरमाइन हो जा रहा है तब तो सीधे सीधे साफ केस है तो कोई बात नहीं कोर्ट को कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन उस केस में जब कोर्ट इज़ नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन बर्डन ऑफ प्रूफ डिटरमाइन करता है कि, कि किसके फेवर में जजमेंट होगा जिसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है वो केस उस वक्त उसके अगेंस्ट जा सकता है क्योंकि उसने शेड ऑफ नहीं किया अपना बर्डन अपने तरफ कोर्ट को नहीं झुका पाया थ्रू इट्स एविडेंस एंड दैट इज़ वाई बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्डन ऑफ प्रूफ का वो है कि हु विल इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर एविडेंस प्रोसिक्यूशन विल इंट्रोड्यूस और डिफेंडेंट विल इंट्रोड्यूस ऑब्वियसली क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने केस पुट ऑन किया है और उसके पास स्ट्रॉगर बर्डन ऑफ प्रूफ है तो क्योंकि वो पॉजिटिव फैक्ट को असर्टन करता है अफॉर्मेटिव फैक्ट को पुट ऑन करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होगी और वो इंट्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर एविडेंस को उसके कुछ एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताए और आगे भी देखिए अब देखिए पर्टिकुलर फैक्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रूफ ऑफ प्ले ऑफ एलेबी में उससे एक और सेक्शन 104 है 104 में ये बात कही गई है कि मान लीजिए ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तर तौर पर समझाऊंगी कि मान लीजिए कि आपको प्रूफ करना है डाइंग डिक्लेरेशन को ठीक है मान लीजिए कि आप प्रूफ करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन है तो ये अब आपके ऊपर बर्डन होगा कि आप ये भी प्रूफ करें कि जो पर्टिकुलर पर्सन जिसका आप डाइंग डिक्लेरेशन बता रहे हैं वो आदमी इज़ नाउ डेड क्योंकि अगर वो आदमी डेड नहीं होगा तो ये चीज़ तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे अगर वो आदमी ज़िंदा है तब तो डाइंग डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता है तो डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट को रिलाई करने के लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कोर्ट के समक्ष ये भी एविडेंस आए कि वो पर्सन डेड हो गया है तो सबसे पहले कोर्ट के सामने की पर्सन डेड है वो एविडेंस लाना होगा उसके बाद ही डाइंग डिक्लेरेशन की बात कोर्ट उस, उस बात को तुल देगी तो ये दोनों क्योंकि कनेक्टेड है और इसके बिना ये अधूरा है तो वो पर्टिकुलर पर्सन को ही प्रूव करने की ज़रूरत है अब देखिए जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड अगर कोई केस आपका एक्सेप्शन में आता है पर्टिकुलरली क्रिमिनल केसेस में प्रलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 105 बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार इस तरीके से पूछा जाता है चार आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा सेक्शन जो है वो क्रिमिनल केसेज से डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ में तो ये बात आपका हंड्रेड में दिया गया है तो 105 पर्टिकुलरली क्रिमिनल केसेस से डील करता है तो इसमें दिया हुआ है कि जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड अगर कोई केस फॉल करता है तो उसको हंड्रेड उसको जो है अक्यूज प्रूफ करेगा नाव कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है मान लीजिए कि मैंने वो अनसाउंडनेस माइंड वाला एग्जाम्पल आपको दिया कि वो पर्टिकुलर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उस केस में भी बर्डन ऑफ प्रूफ उसको उसके ऊपर जाएगा कि वो ये प्रूफ करे कि वो अनसाउंड माइंड का उस वक्त था जब क्राइम कमिट हुई तो ठीक है ये हंड्रेड फाइव है हंड्रेड सिक्स में आप हमेशा ही वो रेलवे टिकट वाला एग्जाम्पल बहुत इलस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है अगर कोई चीज़ का पर्टिकुलर नॉलेज किसी पर्सन को है तो बर्डन उस पर्सन पे होगा कि वो प्रूव करे इस फैक्ट को कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये था आपका सेक्शन 106। अब हम बात करेंगे प्रिजम्पन से रिलेटेड तो आइए देखते हैं प्रेजाम्पन के बारे में 107 से लेके 114 ए तक मैंने जो आपको बताया था कि प्रजाम्पन से रिलेटेड सेक्शंस से, हैं उसमें काफ़ी सारे प्रेजाम क्या काफ़ी सारे आपके शैल प्रिज्यूम है मे प्रिज्यूम है कंक्लूसिव प्रूफ है तो उसको अच्छे से बाइफर्केट करके समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप ये देखिए जहाँ पे भी वर्ड शैल का रहेगा या मे का रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और आपके एम सी क्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आइए देखते हैं हंड्रेड सेवन से तो देखिए कि इस तरह के सेक्शंस को बहुत अच्छे से अगर बाइफरकेट करके इस तरीके से पढ़ा जाए तो आपका जो है पढ़ने काफ़ी देर तक आप रिटेन कर सकते हो तो देखो सब पढ़ते हैं लेकिन रिटेंशन जो है वो आपके यूनिक आइडियाज़ की वजह से ही हो पाते हैं तो ऐसे ही एक ये आइडिया है इसको आप अपना सकते हो अपने जो है तरीके में तो 107 आपका जो है डील करता है प्रेजम्पन एज टू लाइफ में तो जहां पे प्रिजाम्पन और बर्डन ऑफ प्रूफ एक दूसरे से अगेंस्ट रहेगा ये आपका प्रिजम्पन है एज टू लाइफ तो बर्डन किसके ऊपर रहेगा बर्डन रहेगा उस आदमी के ऊपर जो कि ये कहता है कि वो आदमी डेड है अच्छे से समझते हैं अगर मान लीजिए कि कोर्ट के पास ये क्वेश्चन है कि पर्सन जो है वो मरा है या जीवित है अलाइव है या डेथ हो गया है उसका और एक आदमी जिसने शो किया है कि उसको देखा गया है थर्टी ईयर्स के विदीन थर्टी ईयर्स के विदिन उसको अलाइव पाया गया है तो ये प्रिजम्पन एज टू लाइफ यहाँ पे होगा और ये जो बर्डन है उस आदमी के ओर शिफ्ट हो जाएगा जो ये कहता है कि वो पर्सन मर चुका है ठीक है इसलिए इसको प्रिजम्पन एज टू लाइफ कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम पॉइंट ऑफ व्यू 108 में प्रजॉम्पन एज टू डेथ के बारे में बताया गया है तो अगेन अगर क्वेश्चन है अलाइव और डेड के बारे में और कोई पर्सन ऐसा शो करता है कि वो सात साल से मिला ही नहीं है और उस उन पर्सनस को नहीं मिला है जो जिनको नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस उसकी वाइफ उसके पेरेंट्स इन लोग को जो जो नेचुरली उसके बारे में जानना जान जानने के काबिल हैं उनको भी उसके बारे में नहीं पता है सात साल से तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी की ओर शिफ्ट हो जाएगा जो ये कहता है कि वो जिंदा है ठीक है इसीलिए इसको कहते हैं एज टू डेथ क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जो कहता है कि वो जिंदा है तो प्रिजम्पन कैसे बर्डन ऑफ प्रूफ को अपोजिट कर देता है ये आपने देखा अब देखिए सेक्शन 109 इसमें क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड अगर कोई मान लीजिए रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टनर्स लैंड प्रिंसिपल एजेंट टेनेंट लैंडलॉर्ड के बीच में या पार्टनर्स के बीच में अगर कोई रिलेशन है प्रिंसिपल एजेंट के बीच में रिलेशन है तो इसको कंटिन्यूइंग माना जाता है जो भी पर्सन ये कहता है कि वो रिलेशनशिप अब एग्जिस्ट नहीं करता है या वो ये कहता है कि ये रिलेशनशिप था ही नहीं उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा कि वो ये कहे कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है डू नॉट एग्जिस्ट ठीक है ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि अगर रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टनर्स लैंड लॉर्ड टेन प्रिंसिपल एजेंट तो ये कंटिन्यूइंग है ठीक है अब अगर नहीं करता है वो एग्जिस्ट रिलेशनशिप uh, तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाएगा 110 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओनरशिप से रिलेटेड है ऐसा कहते हैं कि पोजेशन इज नाइन आउट ऑफ टेन पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप ठीक है पोजेसन अगर आपके पास किसी चीज़ का पोजेसन है तो बर्डन बहुत हैवी है आपके फेवर में कि आप रियल ओनर होंगे ठीक है तो पोजेसन और ओनरशिप में बहुत अच्छा कोरिलेशन है जिस पर्सन के पास पोजेशन है ठीक है अब ये माना जाएगा कि वो ओनर भी है अब वैसा पर्सन जो ये कहता है कि वो ओनर नहीं है पोजेसन होने के बावजूद वो रियल ओनर नहीं है उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है कि वो रियल ओनर नहीं है ये बात प्रूफ करने के लिए ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 110 में देखिए आप इस तरीके से बाइफर्ट कर देने पे आपको कितने जल्दी से अच्छे से समझ आ जा रहा है कि क्या है सेक्शन के सेक्शन क्या कहता है अब देखिए 111 में प्रूफ ऑफ गुड फेथ के बारे में बात की गई है ठीक है ऐसा जनरली माना जाता है कि जो भी एक्टिव कॉन्फिडेंस जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो गुड फेथ में होगा जनरली जनरल कॉन्सेप्शन ये होता है कि जनरल ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शंस वो गुड फेथ में ही हुआ होगा लेकिन अगर मान लीजिए कि दो लोगों के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है और एक आदमी जो है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है जैसे कि रिलेशन आपका गुरु चेला का टीचर स्टूडेंट का एक पर्सन जो है वो उसके ऊपर रिपोज किया जा रहा है कॉन्फिडेंस तो उस ट्रांजैक्शन में जब एक्टिव कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है इसका सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है आपका गुरु चेला से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्टिव कॉन्फिडेंस जिस पर्सन के का है इसमें गुरु का है तो अब गुरु के ऊपर जो है बर्डन ऑफ़ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा कि वो ये बात को प्रूफ करे कि ये ट्रांजेक्शन गुड फेथ में हुआ है ठीक है ये आपको अनकॉन्शनेबल गेंद्स जो कहते हैं अनकॉन्शनेबल गें्स क्योंकि वो इन इन अ हायर पोजिशन और इन इन्फ्लुएंसिंग पोजिशन में है तो वो उस बात को फ़ायदा उठाते हुए कोई चीज़ का गलत उस ट्रांजेक्शन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होता है कि वो ये प्रूफ करें कि गुड फेथ में किया गया ट्रांजेक्शन है अब हंड्रेड ट्वेल्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कंक्लूसिव प्रूफ का सेक्शन है कंक्लूसिव प्रूफ ठीक है कोर्ट ये मानेगा कि लेजिटिमेट चाइल्ड है अगर ड्यूरिंग मैरिज में उसका बर्थ हुआ है या 280 डेज के विदिन बर्थ हुआ है ठीक है 280 180 डेज आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ मैरेज भी अगर वुमेन अनमैरिड है तो तो ये ऐसा माना जाएगा कि बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड है अब नॉन एक्सेस अगर प्रूफ करना है कि जब चाइल्ड बिगॉटन हुआ था जब उस चाइल्ड वम में आया था उस समय कोई एक्सेस नहीं था हस्बैंड वाइफ के बीच में तो इस बात को प्रूफ करने के लिए बर्डन दूसरे पार्टी को जब ये बोलता है कि देर दे वॉज नॉन एक्सेस तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि दे वॉज नो एक्सेस जनरल ये चीज़ ये है कि लेजिटिमेसी जो है वो माना जाएगा अब देखिए 13 ए 113 हंड्रेड थर्टीन ए वन बी बहुत इंपॉर्टेंट है 113 ए में मे प्रीजम्पन है मे प्रीजम्प्शन ठीक है 113 बी में शैल प्रिजम्पन है सबसे पहले तो ये एम के लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें प्रेजाम्पन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है अगर किसी लेडी ने कमिट किया है सुसाइड विद इन सेवन ईयर्स ऑफ मैरिज और ये बात भी प्रूव है कि वो सब्जेक्ट शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी तो बर्डिन uh, जो ये कोर्ट प्रेज्यूम कर लेगी कि हस्बैंड या रिलेटिव ही उसको अपबेट किया होगा सुसाइड के लिए ठीक है दूसरा है प्रेजाम्शन एज टू डाउरी डेथ अगर किसी वुमेन का डेथ हो रहा है और ये भी दिखाया जा चुका है कि देर वॉज़ क्रुएल्टी तो ये कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी शैल प्रिजम्पन है यहाँ पे कि हस्बैंड और रिलेटिव के कारण उसकी डेथ हुई है अब देखिए 114 और 14 ए 114 फोर्टीन कुछ फैक्ट्स को प्रिज्यूम करता है यहाँ पे मे प्रजम्पन है कुछ जो फैक्ट्स हैं जो ह्यूमन कंडक्ट से या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजेक्शन से जनरली ये बात सामने आई है कि अगर ऐसा होगा तो इस तरीके का ही ह्यूमन बिहेवियर है इस तरीके का होता है तो उसमें 114 बी बहुत जैसे इम्पोर्टेंट है उसमें ये बताया गया है कि अकम्पलिस अगर कोई बात आपको बताया गया है अकम्पलिस ने बताया है ठीक है क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट का एक हिस्सा रह चुका है तो बिना कोरबोरेशन के उसके फैक्ट को उसके तर्क को उसके सबूत को ऐसे ही हू बहू नहीं विश्वास करना चाहिए देर हैज़ टू बी कोरैबोरेशन इन ये अकम्पलिस एविडेंस तो ये बात 114 बी में कही गई है 114 ए आपका टू थाउजेंड अमेंडमेंट से आया है और ये शाल प्रिज्यूम है अगर कोई रेप चार्ज को आपको बताना है तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि देर हैज़ बीन अ सेक्शुअल इंटरकोर्स और ये सेक्शुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट हुआ है तो अगर मान लीजिए कि ये प्रू बात प्रूव हो चुका है कि देर हैज़ बीन अ सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ अ मैन एंड अ वमेन और ये जो लड़की है ये बात को कोर्ट के सामने प्रूव कर कोर्ट के समक्ष ये रख दे कि उसका कंसेंट नहीं था और फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो कोर्ट ये शाल प्रज्यूम कर लेगा शाल प्रजम्पशन है कोर्ट ये प्रज्यूम कर लेगा कि यहाँ पे रेप हुआ ही होगा और 376 के अंदर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंदर केस जो है वो फॉल करेगा क्योंकि ये रेप केस है तो ये आपका प्रिजाम्पन से रिलेटेड प्रोविजन्स uh, था आई होप आप इन्जॉय किए होंगे ये बॉक्स में uh, इस तरीके से डील uh, करके हुए पढ़ने के लिए uh, आप इन्जॉय किए होंगे तब तक के लिए नेक्स्ट uh, वीडियो का आई वेट करें हम इस टॉपल पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब तक के लिए गुड बाय स्टे